नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आप सभी को द बायोग्राफी चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आते रहते हैं, तो दोस्तों आज हम फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं मोरारी बापू का जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों मोरारी बापू का जन्म 25 सितंबर 1946 को महुआ गुजरात के पास तलगाजरडा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभुदास बापू हरियाणी और माता का नाम सावित्री बेन। दोस्तों मोरारी बापू के पिता की 8 संतान थे जिसमें 6 भाई और 2 बहनें थीं, जिसमें से बापू एक हैं। मोरारी बापू गुजराती और हिंदी दोनों में वार्ता करते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम रामचरितमानस पर प्रवचन दिया था। कहा जाता है कि बचपन में मोरारी बापू तुलसी के बीजों की माला बनाया करते थे। इन्होंने अपना अधिकतर जीवन अपने दादा और दादी के साथ बिताया है। दोस्तों दादी अमृत माँ से लोक कथाएँ और दादा त्रिभुवन दास जी से रामचरित मानस की चौपाइयाँ सुना करते थे। दोस्तों मोरारी बापू आज देश और दुनिया में रामचरित मानस की कथा करते हैं। दोस्तों लोग इनसे काफ़ी प्रभावित भी होते हैं। इन्होंने लोगों के बीच भगवान राम के जीवन को दर्शाने का काम किया है दोस्तों और करते आ रहे हैं। दोस्तों एक महान कथावाचक भी हैं, भारत ही नहीं वरना इनके एक नाम पूरी दुनिया में है। दोस्तों वर्ष 1960 में 14 वर्ष की उम्र में बापू ने पहली बार राम कथा का वाचन तालगरजडा स्थित रामजी मंदिर में किया था, जिसके चलते वर्ष 1976 में उन्होंने नौराबी में कथा वाचन का काम किया था। दोस्तों पोरबंदर के एक वकील ने जूनागढ़ के पास गिर अभिराज के निषेध अवैध रूप से सोर आयोजित करने में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दोस्तों मोरारी बापू इंडिया, यूएसए, यूके, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, युगांडा, भूमध्य सागर में एक क्रूज जहाज से वेटिकन सिटी और तिब्बत चीन में कैलाश मनोसर की तलहाटी में यात्रा किए थे। साथ में इन्होंने जहाज पर भी कथा वाचन का काम किया था। लोग इनकी कथा को जहाज में ही सुनते थे। दोस्तों टाइम्स नाउ के साथ एक इंटरव्यू में मोरारी बापू ने राम कथा को समाज के उपेक्षित, शोषित और होशिये पर खड़े लोगों के लिए सुलभ बनाने का उनका मकसद है। दोस्तों जैसा कि राम ने खुद निषाद राज और सबरी के साथ किया था। दोस्तों वर्ष 2016 में मोरारी बापू ने मुंबई में ट्रांसजेंडर के लिए राम कथा का आयोजन किया था। इस बात पर इनको भारतीय LGBT कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा था कि दुनिया में किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक नेता ने ऐसा नहीं किया, मैं इनका आभारी हूँ। दोस्तों वर्ष 1992 में मोरारी बापू राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने राम मंदिर के लिए युवाओं से लड़ाई और शहीद होने की अपील की थी। इंडिया टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम आपकी अदालत में भी ये गए थे और रजत शर्मा द्वारा पूछे गए सवालों का भी इन्होंने बखूबी जवाब दिया था। दोस्तों कई और बड़े कार्यक्रम में मोरारी बापू शामिल हुए हैं। आज के यह एक अच्छे और महान कथावाचक हैं जो पूरी दुनिया में अपने देश और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में और अपनी कथा के माध्यम से कर रहे हैं। दोस्तों इनके अच्छे कर्मों को भारत ही नहीं वरना पूरी दुनिया अभिनंदन करती है। दोस्तों आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।